आपने जो सीखा कंटिन्यूटी एट ए इंटरवल देखा, ठीक है। इंटरवल में हमने क्या किया, एक एक जो है सी पॉइंट लिया था, ये जो सी बिलोंग करता है ए टू बी। अब ये सी जो है कोई भी वैल्यू ले सकता है, ए से लेकर बी तक कोई भी एक वैल्यू ले सकता है। अब आप चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। अभी हमने डिस्कस जो किया था यहाँ पर कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल किया था, अब कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट डिस्कस करेंगे। सेकेंड चीज कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट लेट से ए, ए पे डिस्कस कर रहे हैं, ए पॉइंट पे। यानी कि ये आपका कोई पॉइंट ए है, आपको ये बताना है कि ये ए पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है। उस केस में भी देखो कहानी बिल्कुल सेम है, आपको इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करनी होती है, ठीक है। और वो एफ ए के बराबर होना चाहिए उस केस में। यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल के आएगी एफ ए, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है, इसमें जो है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ए होना चाहिए और इक्वल्स टू आपका राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। ये इसमें भी सेम यही कंडीशन होती है। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट से क्या मतलब है, इसमें होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, ऐसे भी लिख देते हैं। ए नेगेटिव मतलब ए से मामूली सा कम, और ये जो ए नेगेटिव है ये आपने रखना किसमें, फंक्शन में एफ एक्स के अंदर। ये जो ए नेगेटिव है इसमें रखना होता है, और यहाँ पर एफ ए, और लिमिट यहाँ पर एक्स टेंस टू ए प्लस, ए प्लस का मतलब ए से मामूली सा बड़ा, मामूली सा बड़ा एफ एक्स। और इसको फर्दर मॉडिफाई यहाँ पर लिख देते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, लिमिट ये जो ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव को लिख देते हैं ए माइनस एच, जो एक्स है वो ए माइनस एच बन जाता है, और एच टेंस टू कर देते हैं जीरो। तो यहाँ पर आएगा एफ ए माइनस एच, और ये इक्वल्स टू होना चाहिए एफ ए के लिमिट। और इसी तरह से देखो ए प्लस है, ए प्लस मतलब ए थोड़ा सा यस थोड़ा सा उसमें ऐड होगा। तो एक्स बराबर आपने लेना है ए प्लस एच, और अगेन एच अप्रोचेस टू जीरो, ये जो एच है बहुत छोटा है बट ए इसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका ए प्लस एच। तो ये आपका जो है ना ये फाइनल फॉर्मूला बनता है। आप देख सकते हो इसमें ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं है जो हमने इंटरवल में किया था। इंटरवल में सी ले रखा था, ये देखो हमने इंटरवल में क्या लिया था, ये सी लिया था, इसमें सी बिलोंग्स टू ए टू बी था, और इस केस में आप देख सकते हो केवल एक पॉइंट ही है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ खास फर्क इसमें है नहीं, राइट।